सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी जगह विजिट कराने वाली हूँ जहाँ पर आकर आपको बेहद ही अच्छा लगने वाला है। आपको इंटीरियर ढाबा दिखाने वाली हूँ। आपने सुना होगा ना कि हाईवे पर जाते हैं होटल में बैठने का मन करता है, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट में देख बैठ बैठ के तो भाई मन भर चुका है, लेकिन ऐसा ढाबा होना चाहिए जहाँ पर एसी भी लगा हो, कूलिंग भी अच्छी हो और पार्टी करने में भी मज़ा आ जाए। तो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ द SB रेस्टोरेंट एंड ढाबा। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगी नीचे जाके कि किस तरीके का इनका इंटीरियर है। और मैं इसको ढाबा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हाईवे पर जो ढाबे होते हैं वहाँ पर खाट डली हुई होती है। आपको पता है कि हमारी परंपरा रही है खाट, भाई जो मज़ा खाट पे खाने में है ना वो टेबल चेयर पर बैठ के खाने में नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी टेबल चेयर पर बैठकर खाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। एक बार मैं आपको नीचे लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके का इनका इंटीरियर है। यहाँ पर मैं स्टाफ दिखाना चाहूँगी। स्टाफ के लिए पूरा ड्रेस कोड यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। एक बार मैं यहाँ पर जो कस्टमर बैठे हैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आखिरकार उनको यहाँ पर आकर कैसा लगता है। मैम आपका नाम क्या है? निशा। बहुत अच्छा लगता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है बहुत अच्छा है। तो हम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस गुड़िया के साथ यहाँ पर हैं तो कैसा लगता है कि बच्चों के साथ आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं? बिल्कुल सेफ है, सैनिटाइजेशन का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। जैसे आप एंटर करते हो सबसे पहले दे ऑफर्स यू फॉर द सैनिटाइज, उसके बाद जो खाना है, प्लेटिंग है, जितने भी मतलब स्टाफ है यहाँ का, पूरा सैनिटाइजेशन का कुछ ध्यान रखा जाता है। मास्क हैं, दे वियर ग्लव्स, तो पूरा सेफ है। कैसा लगता है जब आप पहले 7 से 8 किलोमीटर जाकर हाईवे के ऊपर खाना खाते थे, लेकिन अब आपको भाई इस खाट के ऊपर फील जो होती है बैठने की वो अलग ही होती है, तो कैसा लगता है? बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है जैसे हम बाहर जाते थे ऑन दी रोड खाना खाने जाते थे, बिल्कुल सेम टेस्ट है। उससे 21 है, 19 नहीं है प्लस, मतलब आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, सेफ़ नहीं है। मैम अब 11-12 बजे अगर आप रात को बाहर जा रहे हो खाना खाने के लिए तो वो सेफ़ नहीं है फैमिली के साथ। और वही सेम चीज़ है जो हम बाहर जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, वही हमें इन सिटी मिल जाती हैं। प्लस क्या होता है, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, आप इस पे बैठे हो, मंजी पे बैठे हो, बारिश वगैरह स्टार्ट होगी तो उस टाइम में बहुत इश्यू होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन हाउस है और पूरा एक्सपीरियंस जो है ना आउटडोर वाला है। मैं तो खाट पर बैठ चुकी, जो मज़ा खाट के ऊपर बैठने में है ना, पहले इतनी दूर गाँव में जाना पड़ता था, उसके बाद जो हाईवेज पे होटल है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था, कब जो है टूर के ऊपर जाऊंगी या फिर कहीं पे विजिट करने जाऊंगी तब ढाबे में उतर कर खाना खाऊंगी। लेकिन अब हिसार शहर में ही इतना अच्छा जो ढाबा है वो मुझे मिल रहा है, मैं तो बार बार यहाँ पर आऊंगी और खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि भाई जो फील यहाँ पर आ रही है ना खाट पे बैठकर, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर जो टेबल चेयर के ऊपर बैठने में आती है वो बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन दे ही नहीं सकता इस खाट को। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी हो। COVID-19 के अंदर पूरी की पूरी सेफ्टी जो है यहाँ पर रहने वाली है। एक बार मैं कह देती हूँ मैनेजर से, मेरे लिए खाना ले आई, भाई मैं तो स्वादिष्ट खाना खाने वाली हूँ यहाँ बैठकर। आपका मुझे पता नहीं, अगर आप भी मेरी तरह स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो जल्दी से आइए यहाँ पर और खाना खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ढाबे की बात मैंने बता दी, लेकिन आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं पार्टी हॉल, बता रही हूँ यहाँ पर पार्टी हॉल की भी व्यवस्था है। एक बार दिखाना चाहूँगी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फ्लोर कि कितना अच्छा पार्टी हॉल है। वहाँ पर आप खा सकते हैं और यहाँ पर आप डांस कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, कहीं पर भी आप जाते हैं वहाँ पर अलग से खाने के लिए होता है और नीचे जो है पार्टी हॉल होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा ओपन बनाया गया है, कोई भी आता है यहाँ पर खाना खा सकता है खाट के ऊपर बैठकर। जिसको खाना खाने में खाट के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है वो चेयर और टेबल के ऊपर बैठ सकता है, और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर पे डांस करने का मज़ा ही अलग है। जो बेस है इनका बहुत ही अच्छा बनाया गया है, फ्लोर की भी अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फ्लोर है, लेविश फिनिश आ रही है, कोई मज़ा आने वाला है। अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा मोटा फंक्शन भी है तो भी आप यहाँ पर पार्टी हॉल जो है बुक कर सकते हैं, पूरा का पूरा फैमिली के लिए ये बनाया गया है। अगर आपकी किटी पार्टी है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है तो भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं
और देसी ढाबे का जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए आपको जल्दी से ऊपर लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके का जो है इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। ढाबे की तो हमने बात कर ली, एक बार रेस्टोरेंट भी देख ले, खाना भी खाकर देख ले कि किस तरीके का खाना है। मैंने आपको ढाबा तो दिखा दिया, लेकिन अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि भाई नाम के अंदर तो रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट है कहाँ? तो आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये रेस्टोरेंट जो है पूरा का पूरा वेजिटेरियन है। जी हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर नॉनवेज मिलता है तो नॉनवेज नहीं मिलता। अगर आप लोग नवरात्रों में आना चाहते हैं तो बहुत ही सेफ रहने वाला है आपके लिए और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर नॉनवेज खाना मिलता है वहाँ पर लोग जाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन ये हिसार का पहला रेस्टोरेंट है जो कि आपको नीचे ढाबा प्रोवाइड करवाता है और ऊपर रेस्टोरेंट प्रोवाइड करवाता है। और इसको खुले हुए 2 साल हो चुके हैं। इसके ऑनर से जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है आप और रेस्टोरेंट से अलग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। सुमित बजाज नाम है मेरा। फैसिलिटीज़ लाइव किचन चलाते हैं हम लोग यहाँ पे। प्योर वेज खाना है और फ्रेश खाना बनेगा, बिल्कुल। अच्छा। फुली एसी है और विद इन ड्रेस, पूरा स्टाफ जो है विद ड्रेस में, प्रॉपर पूरा ड्रेस में, सैनिटाइजर मास्क कंपल्शन। तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लाइव किचन मिलने वाली है। लाइव किचन का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं वो बनता है तो आप उसको बनते हुए देख सकते हैं। हिसार का पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पर लाइव किचन अवेलेबल है। एक बार मैं आपको किचन की तरफ ले जाना चाहूँगी और दिखाऊँगी, इतनी क्लैरिटी यहाँ पर रहने वाली है। चलिए आपको ले करके चलते हैं अंदर। किचन के अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पर शेफ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का ये खाना बनाते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पर आकर नोटिस की वो ये है कि ये लोग बहुत ही फ्रेश खाना बनाते हैं। और कोई भी अगर आप खाना बनवाते हैं तो यहाँ पर पहले से ही सब्जियाँ कटी हुई नहीं होती, ये सामने आपको लाइव काट करके खाना बना करके देते हैं। सर बताइए कि किस तरीके का यहाँ पर खाना बनाने का प्रोसेस रहता है। मैडम, हम फ्रेश खाना बनाते हैं यहाँ पर, जो भी है हम फ्रेश कटिंग करते हैं, फ्रेश खाना बनाते हैं। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5-6 साल, 10 साल का इसमें। 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अगर कोई डिश है, अगर कस्टमाइज करवाना चाहे कि मुझे ये चीज़ डलवानी है, ये चीज़ नहीं डलवानी, तो वो भी आप लोग बना कर देते हैं? पूरे तरीके से बना करके देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर पूरा का पूरा स्टाफ जो है ग्लव्स के साथ यहाँ पर कटिंग करता है। अभी अच्छा देते हैं, टेस्टी है और इधर ही आता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, आप इधर ही आते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा, कस्टमर्स का रिव्यू तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो एक बार मैं आपको खाना टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर खाना है, टेस्टी है भी या नहीं है। रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश मेरे सामने आ चुकी है और मुझसे वेट नहीं हो रहा ये खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है इनका खाना जो है हिसार में सबसे लाजवाब है। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मेरे सामने अभी चिली पटेटो है, तो इसको खाकर देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। बहुत ही फ्रेश टेस्ट है इसका। भाई खाने की सबसे मज़ेदार बात होती है इसके मसाले। मसाले मुझे बहुत अच्छे लगे, प्रॉपर नमक है, प्रॉपर मिर्च है, और जिसका क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है पनीर का वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की स्पेशलिटी है पनीर बटर मसाला, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक बार मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। थैंक यू। आपने देखा कि स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है।
सर एक बार मैं पूछना चाहूँगी कि इसके अंदर क्या क्या डाला गया है? इसमें पनीर, पनीर बटर मसाला है जो मैं हमारे टमाटो ग्रेवी में बनता है, बाकी आपके मसाले हो गए, इसमें नमक हो गया, आपका सॉल्ट, इस टाइप से रेडी होता है आपका पनीर है जो फ्रेश पनीर कटता है क्यूब्स में, वो वाला पनीर है फ्रेश में। नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मसालों का टेस्ट है ना वो, मैं और रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो कहीं पर जो है क्रिस्पी नहीं होता, नमक ज़्यादा होता है, मिर्च ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। गरम मसाला है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, मन कर रहा है कि खाते ही रहूं। लाजवाब खाना है, मैं तो एक बार खाना खाने वाली हूं, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। मैंने आपको द SB रेस्टोरेंट एंड ढाबा की विज़िट करवाई, क्या आपको पहले पता था कि आपके हिसार के अंदर इंटीरियर ढाबा मौजूद है? अगर आपको पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा जो प्रयास रहता है आपको नई नई जगह विज़िट कराना और आपको इन्फॉर्मेशन देना कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो हिसार में अवेलेबल है, जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना था ना देखा था। भाई मैंने तो नहीं देखा था इतना अच्छा ढाबा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो रेगुलरली यहाँ पर आने वाली हूँ। अगर आप भी आने वाले हैं तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देती हूँ, ये डाबड़ा चौक पे पड़ता है, चावला हॉस्पिटल के सामने। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर यहाँ पर खाना मिलने वाला है, नवरात्रि के अंदर बहुत बेस्ट रहने वाला है क्योंकि वेजिटेरियन है। तो इसी तरीके से मैं आपको और जगहों पर विज़िट करवाऊँगी मार्केट प्लस के हमारे इस शो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।